हमने कर दिया कि नेहरू पथ होगा, आज नेहरू पथ सब जगह हो गया और आजादी की लड़ाई का मामला है, इसलिए यहीं पर एक तो नेहरू पथ दे ही रहे और सब जगह पूरा का पूरा वृक्षारोपण ठीक ढंग से किया जाएगा, हमने आज बता दिया। देश में कोई राष्ट्रपति बनेंगे और उन पर कुछ बोलना तो ये आश्चर्य की बात है, कैसे कोई बोल सकता है। आप लोग तो जान रहे हैं इसका नामकरण तो हम लोगों ने नेहरू पथ किया, पहले इसका लोग बोल रहा था जवाहरलाल नेहरू पार्क, चर्चा कर नहीं रहा था पुराने नाम, हमने कहा कि इसका नाम करके हमने कर दिया कि नेहरू पथ होगा, आज नेहरू पथ सब जगह हो गया। और बात तो आप जानते हैं कि वो जो पटना जंक्शन के पास इनका बना हुआ बगल में आप जानते ही हैं फ्लाई ओवर बन गया, तो फ्लाई ओवर बनने के बाद इनका ठीक नहीं लग रहा था, तो वही देख करके हमने कहा कि यहीं पर तो हम लोगों का मेन जगह है सरकार का, और यहीं पर हमने देख करके कहा था कि यहीं पर ला करके रख दिया जाएगा, तो और ज्यादा वहाँ तो कोई देख नहीं पाएगा। अब यहाँ पर लोग नई पीढ़ी के लोग और बगल का भी कार्यक्रम रख दिया है, जो एक एक और सब जगह पूरा का पूरा वृक्षारोपण ठीक ढंग से किया जाएगा, हमने आज बता दिया सर। ये बगल वाला एरिया है, इसको भी इस तरह से विकसित किया जाएगा वृक्षारोपण, और उसमें भी बनाया जाएगा वाटर बॉडी भी बना दिया जाएगा ताकि लोग छठ वगैरह का भी काम जो करते हैं यहाँ पर पूरा एरिया आपको अच्छा लगेगा। सर एक सवाल है, टीएमसी के एक मंत्री ने राष्ट्रपति के लिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी शक्ल ठीक नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ उनको, ये गलत बात है, कौन कहे करेंगे राष्ट्रपति पर कुछ बोलना उचित नहीं। देश में कोई राष्ट्रपति बनेंगे और उन पर कुछ बोलना तो ये आश्चर्य की बात है, कैसे कोई बोल सकता है, इसलिए हमको नहीं पता है, तो बहुत गलत बात है, कोई भी बोलता है अरे वो तो आपको आज गठबंधन के लोग गाइड करके तो आज अनाउंस कर ही दिए होंगे, तो जब वो अनाउंस कर ही दिए गए तो हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं, ठीक।